पांच बज चुके हैं और 5 बजे की बड़ी खबर क्या है। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान 70 सीटों पर समाप्त हो गया। 70 सीटों पर अंतिम चरण यानी कुल 90 सीटों पर जो मतदाता हैं, जो उन्होंने फैसला उन्होंने सुनाया है वो ईवीएम में हो गया है कैद। 958 उम्मीदवार आज थे, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। और ताम्रध्वज साहू से हमारी सहयोगी ममता ने बात की, सुनवाते हैं। बिल्कुल गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि 5 बज चुके हैं और ये मतदान केंद्र है डीपीएस का, ये उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं और इसी तरह से और भी जो मतदान केंद्र है उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, छत्तीसगढ़ी परंपरा जो है उसको दर्शाई गई थी। गृहमंत्री अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया और अब बाहर निकले हैं। सर घड़ी की टिक टिक बंद हो चुकी है, लंबे समय से जो दौड़ भाग थी और क्या होगा कहाँ तक ये पहुंचना है, ये चैप्टर छूट गया, वो चैप्टर छूट गया, ये तमाम चीजें थी सर। अब तो एग्जाम हो गया, बहुत बढ़िया मतदान हुआ है। ग्रामीण अंचल में भी 75-80-85% तक मतदान हुआ है और शहर में भी काफ़ी अच्छा प्रतिशत मतदान हुआ है और रुझान काफ़ी कांग्रेस के पक्ष में सभी तरफ जानकारी मिल रही है और बहुत अच्छे मतों से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशीगण जीतेंगे। सर ये जो सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग हुई है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आ चुका है मतदान के लिए, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की, पहले भी उनके फ़ायदे की रही हैं और अभी भी हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसमें महिलाओं के लिए सर्वाधिक, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, 15,000 सालाना देने की बात हो, बिजली बिल 2 श्रेणी तक फ्री करने की बात हो, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, इलाज की बात हो, तो एक परिवार के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो तमाम बातें हमारे घोषणा पत्र में है और इसलिए आकर्षण परिवार चलाना महिलाओं को होता है। ठीक है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही में हमारे अन्य सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे धमतरी से जुड़े हुए हैं, सबके पास चलेंगे एक एक करके। आखिरकार अब जो जैसे एग्जाम पेपर का समय होता है ना, वो समय खत्म हो गया है और एग्जाम पूरी हो चुकी है अब।